Good morning, everybody. Welcome to our new vlog. It's a Sunday today. Good morning, everybody. Welcome to our new vlog. It's a Sunday today. Yeah. ये इनके सर पे ऐसे ऐसे तेल लग चुका है, ठीक है? चंपी हो चुकी है, बड़ी वाली। चंपी हो चुकी है क्योंकि बहुत सारा डैंड्रफ हो रखा था। डैंड्रफ इसलिए क्योंकि इतने दिनों से नहाए नहीं थे। नहीं, नहाए तो थे मैं, कुछ भी ऑयल नहीं लगा, नहाए थे। ऑयलिंग काफी टाइम से नहीं हुई थी इसके सर में भी। अच्छा, तो आज संडे है, तो संडे का ज्ञान तो सुबह सुबह मिलना चाहिए। सर को ऐसे आइडिया आया कि एक लेजिक ट्रीटमेंट होता है चश्मा निकलवाने का। मुझे मत देखिए, उधर देखिए। सर को पता था, ठीक है। तो इनको आया कि चश्मा हटाने का प्रोसीजर किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। ओके, तो अगर आपके भी चश्मा लगा है तो आप ये वीडियो जरूर देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला। सेकंड, अगर आप जो है ये वाले जो हेयर्स होते हैं इनको रिमूव कराना चाहते हो ना। हाँ, कई बार मतलब बीइंग क्या होता है, मिडिल क्लास या कॉमन पर्सन हम सोचते हैं ना कि यार ये सारी भी तो जो बड़ी बड़ी हीरोइंस होती हैं या जो कराते ही होंगे ना लेजर ट्रीटमेंट। मैंने तो ये भी सुना है कि ये लोग जो है आईब्रो भी परमानेंट सी बनवा लेते हैं लेजर से। तो कराते हैं, तो ऐसा मैंने सुना है। ओके, तो फिर इन दोनों चीजों के कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं वो आज आपको हम बताएंगे। साइड इफेक्ट हो सकते हैं, हाँ, साइड इफेक्ट्स हर चीज के हो सकते हैं, ठीक है। तो इसने सोचा था अभी एक तो चश्मा डालो, रिफ्लेक्शन आ रहा है, लेजी देखो, चश्मे के बाद ये अच्छा भी नहीं लगेगा, है ना, लगा ही लो तुम। तो लेजिक हेयर ट्रीटमेंट कह रही हूँ, एक लेजिक ट्रीटमेंट होता है जिसके थ्रू 30 सेकंड में आपकी आंखें चश्मा हट जाएगा, कोई पट्टी नहीं बांधनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। तो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है, बहुत अट्रैक्ट करती है सुनने में, ऑब्वियसली टचलेस है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा जी, नहीं करानी चाहिए जो भी होगा उसमें, क्योंकि वो जो कॉर्निया है ना उसकी लेयर वो रिमूव करते हैं, एक उसके एक सुपरफिशियल ऊपर वाली बहुत पतली लेयर रिमूव करते हैं, जिसकी वजह से आपकी आंख की एरर तो ठीक हो जाती है, लेकिन हमारे डॉक्टर दी का कहना है प्रोटेक्शन एक लेयर चली जाएगी प्रोटेक्शन की। इट्स लाइक जेड सिक्योरिटी है और उसकी जो है दो लेयर आप उठा दो, मान लीजिए। मतलब इट्स लाइक अगर आंख में नॉर्मली भी धूल मिट्टी चली जाती है तो हमें कितनी तकलीफ होती है ना, तो अब तो आपकी एक लेयर ही हट जाएगी। तो फर्दर अगर लाइफ में, मतलब भगवान ना चाहे, बट ऐसा अगर कुछ हो जाए कि इंजरी हो आपकी आंख में या कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया, तो जितना प्रोटेक्ट, जितनी रक्षा आपकी नेचुरल आई, मतलब जो आपकी आंखें हैं वो कर सकती हैं विद चश्मे, ठीक है, वो दूसरी चीजें नहीं कर पाएंगी बाद में, जो क्योंकि कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है ना उसमें, सिक्योरिटी की लेयर आपने हटा दी है, बात ये, तो वो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही जो है जो हम इस पे हेयर रिमूवल के लिए यूज करते हैं, तो उसमें भी जो है हेयर रिमूवल लेजर ट्रीटमेंट जो परमानेंट हेयर के लिए होता है, परमानेंट भी होते नहीं है उसमें, आपको काफी सिटिंग्स लेनी पड़ती हैं। सो कई बार बहुत सारे वैक्सिंग की बात नहीं हो रही है, लेजर हेयर ट्रीटमेंट की बात हो रही है, जब नॉर्मली जैसे जिसके फेशियल हेयर ज्यादा हो, फॉर एग्जाम्पल मी, ठीक है, तो मुझे फेशियल हेयर ज्यादा, तो बहुत सारे लोगों के होते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, जब तक आप कंफर्टेबल हो, ठीक है, तो इट्स नॉर्मल। उसमें भी फर्दर मतलब अल्टीमेटली रीजन एक ही निकल के आता है कि लेयर, क्योंकि आपके स्किन किसी रेडिएशन की टच में आ रही है, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में, चाहे अब वो रेडिएशन आपको कोल्ड टेक्नोलॉजी से मिले या जैसे भी मिले, भले ही उसमें आपको उस टाइम पे दिक्कत ना हो, लेकिन आगे और चीजों के खतरे लेजर हेयर ट्रीटमेंट से, जैसे कैंसर का खतरा, क्योंकि रेडिएशन आपकी स्किन में जा रही है, तो वो कॉन्टेक्ट रेडिएशन का हो रहा है, हो सकते हैं पॉसिबिलिटी है साइड इफेक्ट, मतलब जिसके नहीं हो उनके ना भी हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने करा रखा और वो हमें बोले कि कुछ नहीं होता, तो हो सकता है, जिनके डिपेंड करता है सिचुएशनल और बॉडी वाइज। अब तो ऐसा भी हो जाता है ना कि आप जैसे ही 40 क्रॉस किए तो आपको कई सारी बीमारियां होने लगती है, आपको पता ही नहीं चलता रीजन क्या है, हाँ। क्योंकि कोई एक चीज छोड़ना है, आपका खान पान है, एक्सरसाइज है, कहाँ रहते हो, कैसे एनवायरनमेंट में रहते हो, साफ सफाई, सब कुछ मैटर करते हैं। तो और एक बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनको 80-85 तक कोई बीमारी नहीं होती, कभी उनको बुखार भी नहीं होता, हाँ, वाली सिचुएशन एकदम से सडन जो है कोई ना कोई दिक्कतें उठने लग जाती है और वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तब फिर हम लोग भी अचंभा करते हैं कि यार आज तक तो कभी नहीं हुआ इनके, कुछ सडनली देखो कितना हो गया ना। एग्जैक्टली, तो जी ये था आज का संडे ज्ञान, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ज्ञानवर्धक रहा, आंखें खोल दी जिसने हमारी, अब हम ध्यान रखेंगे।
ठीक है, इसका क्या रीजन था? इसने पहले बोला मैं चश्मे में कंफर्टेबल हूँ, बट इसका सडनली ये हुआ कि हटवाना चाहिए। रीजन तो मैंने अपने नहीं, क्यों हटवाना है मुझे, इसका रीजन वही तो रीजन बता रही हूँ, उन्हीं में से एक रीजन इसने क्या दिया। मान लो स्काई डाइविंग करनी हो, बंजी जंपिंग करनी हो, तो फिर ऊपर से कूदे तो दिखना तो चाहिए ना कुछ। हाँ, और डॉक्टर दी ने क्या रीजन दिया? जिनकी आंखें होती है वो भी कौन सी खुली रखते हैं ऊपर से कूदते नहीं, और भी रीजन होते हैं ना, जैसे आप धुंध में ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको जो हेलमेट में नहीं दिखेगा धुंध आ जाएगी, उसको उठाओगे तो इस पे धुंध आ जाएगी। ये तो बहुत सारे रीजन होते हैं, बट ठीक है, चश्मे वालों की अपनी स्ट्रगल्स होती है, आई अग्री। स्ट्रगल्स नहीं, मतलब दे बिकम यूज टू। हाँ वही, तो वो धीरे धीरे आपको आदत हो जाती है फिर। चलो ठीक है जी, अभी कुछ तो ये चाट बन चुकी है हमारी, इससे पहले हम क्या खा चुके हैं? जो रात को सब्जी बची थी और फिर आटा बचा हुआ था तो मैंने रोटी बना ली थी, तो पहले हमने वो खा ली थी, फिर हमने काम किया, फिर हम ये खा रहे हैं। दोपहर हो चुकी है, इसके बाद बहुत सारा काम है आज, तो पहले काम करना है ना, मुझे नहाना भी है, इसको तो नहाना भी है, तो शाम को मिलते हैं। मैंने इस व्यक्ति को बोला नहा ले जाके, और ये मुझे क्या बोल रहा है जवाब में? हाँ मैं थोड़ी देर मत बोलो ना इतना नेगेटिव, और स्क्रॉल करने लगे। बाल देखने खुद की रील देख देख के राजी होके, और मैंने कहा नहा ले, नहाने की बजाय कह रहा मत बोलो ना इतना नेगेटिव, और मैं बैठी बैठी देख रही हूँ इसको कि नेगेटिव का क्या बोला मैंने। इसकी हंसी बता रही है, मैं सच बोल रही हूँ। तुम ना हंसा देती हो मुझे, देख हाँ तुम मुझे गुस्सा दिला देते हो कि मैंने नहाने को बोला, बोल रहे नेगेटिव मत बोला। है कोई ऐसा आपके घर में? कब बोला अभी मैंने यार? भाई देखो अपनी बात बोल के, भाई दे दो सफाई, सफाई तो ये सफाई शक्ल पे दिख रही है देख। इंसान को कब से कह रही हूँ कि नहाले नहाले, मतलब संडे है तो क्या नहाएगा नहीं? तू बात करे ना मुझसे, आंखों का पैगाम न ले, पर ये मत कहना रे ओ पगली, मुझे देख न तू मेरा नाम न ले, तुझसे मेरा दीन धर्म है मुझसे तेरी खुदाई, तुझसे मेरा दीन धर्म है मुझसे तेरी खुदाई, तू बोले तो बन जाऊं मैं तो बोले शासुदाई, मैं भी नाचूं मैं भी नाचूं, हाँ जी ये है अमित जी। क्या क्या मैंने सोचा तुमने ऑन कर लिया और आपने जस्ट है सिर के बैक साइड मुझे रख रखा था कि मैं ना दिखूं। हजनी है ये इंसान, नहा लिया था इसने अभी बोला मेरे को कि फोन करके ये भी तो बता मैं नहा लिया था, मतलब ये तो गा रही थी तू कि नींद आया। मैंने कई बार तू बातें बहुत अच्छी बना दी। चलो कोई बात नहीं, ओके सो मैं तो अभी जो है नींद आया था जब। हाँ तो अभी ठीक है नहा लिया, तो ये नहा लिया बात ही खत्म। ठीक है तो ये नहा लिया है, अभी शाम हो गई है यानी 7:30-8 हो रखे हैं अब, तो हमें बनाना है खाना, तो मैं सोच रही हूँ जो चने और वो सब मिक्सअप यही बनाएगा। नहीं जो एक्सप्लेन करेगा वही बनाएगा, है ना? तुम बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो। खड़ा हो जाऊंगा, हेल्प भी करूंगा क्योंकि हमारे दोनों का काम है वो, तुम्हारे अकेले, तो इसलिए हमने सोचा है कि वो जो हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, थैंक यू, वी आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। बर्तन तभी तो धोता हूँ डेली, अभी भी धोना बचे हुए हैं बहुत सारे। ठीक है अच्छा। हाँ जी तो अभी जो है शाम का खाना रहने बना रही है, मैंने इतने यहाँ पर जो जितने बर्तन रखे थे वो धो दिए हैं, अच्छे से धो दिए हैं, यहाँ किचन की साफ सफाई कर दी है। और देखिए जी अभी हम जो है पुलाव बना रहे हैं, ये अलग तरीके से बनाए हैं रवीना ने, कुकर में नहीं बनाए हैं हमने, पहले सब्जी से बनाई इस कढ़ाई में, उसके बाद जो चावल अलग पतीले में बनाए थे, फिर चावल से पानी निकाला इसने और उसके बाद जो है डाल दिया इसमें। क्या रेसिपी बताई आपने? ठीक नहीं बताया मैंने, मैंने जो देखा वो बताया, ऐसा बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन का है। बस मैंने बना दिए इसमें, पहले मैं बनाने वाली थी नॉर्मल चावल और वो सब्जी, फिर सब्जी कैंसिल करके हमने टेस्टी टेस्टी नमकीन चावल। हाँ क्योंकि वो जो ये है ना छोले वगैरह थे राजमा, तो ये दोपहर को खाया था उस वजह से मुझे बहुत फुल था। ठीक है तो इस वजह से जो है ये मैंने अवॉइड कर दिया, मैंने कहा नहीं ये चावल में हम नहीं डालेंगे, पहले हमारा प्लान था कि ये भी डालेंगे सब्जियां भी डालेंगे
और चावल खाएंगे वो मैंने, मतलब बनने से पहले चार बार प्लान। तो मैंने इसको बोला कि फुल फुल फील हो रहा है, वो जो प्रोटीन का सोर्स, इतना सारा प्रोटीन जो मैंने खाया था दोपहर में, दोपहर में क्या उससे पहले भी हम खा ही रहे थे। सो अभी जो है ये ऑलमोस्ट रेडी है। हाँ जी, अच्छा कुछ टेस्ट कर रहे हो? मैंने ये कंबल के लगा दिए चम्मच। तुम्हारा कैमरा भी ठीक नहीं आ रहा। कैमरा क्यों ठीक आ रहा? ठीक है, ठीक है। इसका रिव्यू बाकी है, मेरे हिसाब से बढ़िया बने। जहां तक मुझे लगता है सब्जी अच्छे से पकी हुई है, लेकिन चावल जो है एक बाइट कच्चे हैं, बट ओवरऑल नाइस एफर्ट्स। मास्टर से आपकी तरह ना अच्छा, बाकी ठीक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ना। और निशा की मम्मी बोल रही मैं इसको खाना नहीं देती, देख इनको ऐसे लगा कि हाय पता नहीं बेचारे, पता चल जाता है लोगों को। नहीं उन जो मम्मियों वाली वो है ना जनरेशन, उनको ऐसे लगता है कि हाय बेचारा बटे वो बर्तन धो रहा है, हाय बेचारा खाना बना रहा है। नहीं खाना तो बनाया नहीं, कि पता नहीं खाना भी मिलता होगा या नहीं इसको। अरे देती हूँ मैं खाना, देखिए दोपहर को इतना प्रोटीन का सोर्स, तो मैं अच्छे से इसको खाना देती हूँ, प्रॉपर खाने में कोई कमी ठीक है। और आज की जनरेशन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा काम मिल बांट के करना चाहिए, तो ये बर्तन धोता है विच इज गुड। हाँ धोता हूँ, सबको धोने चाहिए, इतने सारे बर्तन धो के आया अभी। बिल्कुल आई एग्री, ठीक है। सब लोग अपनी मम्मी बहन और वाइफ की हेल्प करें। चलिए जी, ये भी एक जो है आपको मिला है रवीना, आज का नुस्खा हो रवीना। यस, आज ज्ञान ज्यादा हो गया संडे वाले दिन, इट्स ओके। संडे में फ्री होना तो ज्यादा एक्स्ट्रा ज्ञान थोड़ा सा चल सकता है, प्रोसेस हो जाएगा। हाँ जी, तो आज है 6 मार्च और 6 मार्च के 6:15 हो गए हैं शाम के। कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था बिकॉज सुबह से मैं पीपीटी बनाने में लगी हुई थी, अमित चला गया था सुबह का खाना खा के, एंड ही इज हियर। हाँ ही इज हियर, और अभी भूख लगी है हमें, बना लिया है हमने खाना, आलू गोभी बना, तो हमने सोचा थोड़ी अपडेट दे दें कि आज सुबह से हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बस काम कर रहे थे। मेरी 3 घंटे की क्लास मैंने रिकॉर्ड की थी, वो अभी प्रीमियर है उसका, एंड बस अभी खाना खाएंगे। अभी भूख लगी है काफी, अभी बहुत भूख लगी है, तो हम खाना खाते हैं अभी। ये देखो जी हमारी आलू गोभी, बहुत टेस्टी टेस्टी आलू गोभी बिना ज्यादा तेल पानी के। ये हमारे पति जी, पति जी हाँ ले आएंगे चम्मच अभी, तो बस हम ये वाला खाना अभी खाते हैं और आपसे बाद में मिलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले तो हिंदी में बोल, हैप्पी कलरफुल होली, ये हैप्पी हैप्पी होली, हैप्पी हैप्पी होली। आज 7 तारीख है और सुबह हो गई है, मुझे पता है कल व्लॉग नहीं डला था लेकिन आज डाल दूंगी मैं। कल रील डल गई थी, आज व्लॉग डल जाएगा। मैं कल बिजी थी, एडिट नहीं हो पाया मेरे से। होली स्पेशल भी डल जाएगा, ये कल होली स्पेशल डल जाएगा। कॉम्पिटिटिव क्या था हमारा, कंपैटिबिलिटी टेस्ट। तो इसी के साथ हैप्पी होली, और खूब मजे करो, खूब मिठाई खाओ, जो भी करने का मन कर रहा है वो करो, एक दूसरे को ऐसे रंग लगाओ, अगर अगला वाला ओके है तो। हाँ अगर अगले वाले ठीक है, जैसे मैं ओके नहीं हूँ तो मुझे मत लगाओ ऐसे वाला। ये फ्लावर्स होली खेलेगी। हाँ, पानी तो से भी चलता है, रंग से भी मजे आते भाई, हमने तो बचपन से वही खेली है तो मुझे अच्छे लगते हैं। थैंक यू। तो आप लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और ऐसे ही हर त्योहार को मनाते रहिए और खुश रहिए, ठीक है। हम आपसे मिलते हैं कल के ब्लॉग में, ये ब्लॉग में यही खत्म करती हूँ बिकॉज ये 3 दिन से चल रहा है, ठीक है। सो ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय बाय। मेरे को ये लाइन ना रटी हुई है, मेरे को ऐसा हो जाता है जैसे तो मैं इनकलकेट लर्निंग पे वीडियो में बोल रही हूँ, तो एंडिंग में तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बी हैप्पी, बी स्माइलिंग। मतलब इसकी जो शॉर्ट एंडिंग भी जो है लॉन्ग लगती है मुझे इतनी लंबी। बाय।